Hi guys and welcome back to the channel and welcome back to another review video. So, आज ना बहुत time बाद मैं करने वाली हूँ एक lipstick review. So, अभी क्या है recently, like कुछ time पहले ही LE18 brand ने अपने liquid lipsticks launch किए हैं. तो मैंने सोचा कि मैं को भी try करना चाहिए because they are very affordable. So, इट्स लाइक कि आई शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. अगर बहुत अच्छी है, काम करती है, तो क्यों नहीं आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा. अफोर्डेबल रेंज में अगर आपको कोई लिपस्टिक मिलती है तो. सो मैंने टू शेड्स पिक किए हैं. मेरे पास ये दो शेड्स हैं और जिसमें इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ. पहला शेड मैंने पिक किया है फ्लैटरिंग न्यूड एंड दूसरा शेड है मेरे पास टोनी वुड. सो ये दो शेड हैं जो बाहर से देखने में लग रहा है ये जो है पिंकिश ब्राउन काइंड ऑफ शेड होगा और ये जो है बर्नड ऑरेंज मुझे लगता है ऐसा कुछ शेड होगा या फिर ब्राउन हिंट के साथ ऐसा बाहर से लगता है. अभी मैंने पैकेजिंग नहीं खोली है, आप देख सकते हो दोनों अभी जो है ट्यूब्स मैंने सील्ड ही हैं. सो मैंने रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही अपने नायका हॉल में ये आप लोगों को दिखाए भी थे बट मैं ट्राई नहीं कर पाई इनको एंड देन मैं ना एक्चुअली रख के भूल गई. मैंने ये रख दिए अपने रिव्यू वाले सेक्शन में एंड देन फिर आई गॉट लाइक सिक एंड बहुत कुछ हो गया बीच में. सो या एनीवे, तो चलिए आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं. इसमें जो शेड रेंज है आई गेस देर आर 8 शेड्स, आई गेस मैं ना भूल गई हूँ. मैंने सारा इन्फो में निकाल के रखा था बट देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. सो या एनीवे, तो जो भी है शेड रेंज जो है इनकी अच्छी खासी है. मुझे इतना याद है देर आर अ लॉट शेड्स एंड द प्राइस इज 120 rupees. दैट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल फॉर अ लिक्विड लिपस्टिक एंड द क्वांटिटी दैट यू गेट इज ओनली इफ आई कैन सी द क्वांटिटी रिटन एनीवेयर. या इट्स 5.6 ml, द क्वांटिटी इज 5.6 ml एंड ये जो है आपका चलता है 24 months. या अराउंड 24 months का है इसका जो वैलिडिटी है या एक्सपायरी है. सो या, तो चलिए आज इनको मैं ट्राई आउट करूँगी आप लोगों के साथ ही. सो या, लेट्स ओपन दिस. पहले मैं अपनी लिपस्टिक हटाती हूँ जो मैंने लगाई है, उसके बाद देन विल ट्राई दिस. ओके, सो आई एम ऑल सेट. मैंने अपनी लिपस्टिक हटा ली है एंड अपना बेस भी फिक्स कर लिया है. सो पहले जो शेड में ट्राई करने वाली हूँ वो है फ्लैटरिंग न्यूड. तो या मैंने इसको आप लोगों के साथ ही ओपन करना चाहती थी बिकॉज मुझे भी देखना था फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहता है मेरा इसके साथ. सो इसीलिए ही एंड द सील इज क्वाइट टफ टू ओपन. कौन से ग्लू से चिपकाया है इन्होंने, इट्स सो हार्ड टू सक्सेसफुली बट आई हेट. अभी ना ये चिप चिप करता रहेगा तो आई हेट दिस थिंग बट एनीवे चलिए. ओके, तो पहले देते हैं एक हैंड स्वॉच आप लोगों को यहाँ पे. ओके, इट्स अ पिंक शेड. या इट्स अ पिंक शेड विद हिंट ऑफ ब्राउन इन इट बट इट्स गोइंग टू पॉप. मुझे लगता है कि ये ना ब्राइट इश साइड में ही जाएगा. तो या इट्स क्वाइट ब्राइट. स्मेल ना स्मेल इज क्वाइट फनी ओनली. मैं क्या बोलूँ, एक ना मुझे याद है जब मैं लाइक छोटी थी इन माय टीन्स ना, कोई तो लिपस्टिक ऐसी आती थी जिसकी स्मेल ना ऐसी ही होती थी, कोई सम लोकल ब्रांड की आती थी. नाउ आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट ब्रांड और समथिंग बट या स्मेल बिल्कुल वैसी है. द कवरेज आई वुड से इज वेरी शेयर, काफ़ी लिक्विडी सा टेक्सचर है एंड कवरेज काफ़ी शेयर है. Let it dry, then I'll tell you the transfer and everything. And एक और चीज़ जो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती थी जो कि मैं अब भूल गई. तो या सॉरी अबाउट दैट एनीवे, बट ये ना मुझे कहीं से भी न्यूड पिंक नहीं लग रहा है शेड. इट्स प्रॉपर पिंक शेड
इट्स नॉट न्यूड फॉर मी. मेरे को पर्सनली जो मूविश काइंड ऑफ न्यूड शेड्स होते हैं ना, ये ब्राउन न्यूड्स, वो ज़्यादा पसंद आते हैं रादर देन द पिंक्स. ये एकदम पिंक है तो ओके, इट्स नाउ ड्राइड अप कम्प्लीटली. इट्स अ गुड थिंग मैंने सब रियल टाइम रखा है. मैं आपसे बात कर रही हूँ उतने में ही ये ड्राई हो गए. तो इट टुक ऑलमोस्ट 10 to 15 seconds टू ड्राई अप, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है. नाउ लेट्स टेक अ ट्रांसफ़र टेस्ट. ओके, बहुत हल्का ट्रांसफ़र है, बहुत मिनिमल, लाइक इट्स लाइक नेग्लिजिबल, कि कहीं पे ना वो ड्राई नहीं हुई होगी, तो वैसा ट्रांसफ़र है. या इट्स नॉट ट्रांसफरेबल एंड काफ़ी लाइट वेट है. बट एक चीज़ है कि ये ड्राइंग है, इट इज़ ड्राइंग. या इट्स वेरी ड्राइंग. आपको अंदर ना कुछ, मतलब एक लेयर पहले ही कुछ लगाना पड़ेगा, प्रॉपरली अपने लिप्स को नरिश रखना पड़ेगा. सो या इसको बिल्ड करके देखते हैं कि ये बिल्डेबल है या नहीं कलर. ओके, सो मैंने अभी सेकंड लेयर यूज़ कर लिया है. नाउ द कलर इज़ क्वाइट ओपेक, आई वुड से येस. नाउ इट हैज़ गिवन द कवरेज जो मुझे चाहिए, जितना कलर पिगमेंटेशन मुझको चाहिए होता है लिपस्टिक के लिए, कि मेरा जो अंदर का लिप कलर है वो नहीं दिखना चाहिए. सो नाउ इट हैज़ कम्प्लीटली कवर्ड दैट. बट अगेन आई विल से, आप अगर, आई डोंट नो कैमरे में दिखेगा या नहीं, आई कैन सी माई लिप लाइन्स ना ऐसे, तो पता चल रहा है कि वो कितना ड्राइंग है. या इट्स वेरी ड्राइंग. ट्रांसफ़र टेस्ट कर लेते हैं कि सेकेंड लेयर पे क्या होता है. नो ट्रांसफ़र एट ऑल, नो नो एट नो ट्रांसफ़र एट ऑल, नो ट्रांसफ़र एट ऑल. बस एक चीज़ है कि काफ़ी ड्राइंग मुझे फील हो रही है, तो आपको अंदर अपने लिप्स को पहले से बहुत अच्छा नरिश करना पड़ेगा इसको वर्क करने के लिए. सो या चलिए अब ट्राई करते हैं नेक्स्ट शेड, जो है ये टॉनी वुड. तो आई जस्ट रिमूव दिस एंड देन कम बैक. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट शेड, जिसका सील भी मैंने खोल लिया, बिकॉज अदरवाइज टाइम वेस्ट होता है फालतू में. वीडियो लंबी होती है एंड यू पीपल डोंट लाइक दैट. सो या एज एक्सपेक्टेड दिस इज़ अ ब्राउन शेड. इसको हम यहाँ पे सोच कर देते हैं, इट्स अ ब्राउन शेड. बट हाँ, बट हिंट ऑफ ऑरेंज इन इट, जैसा मुझे था कि बर्नट ऑरेंजी काइंड ऑफ शेड होगा, इट्स लाइक दैट ओनली. तो चलिए इसको भी ट्राई करते हैं. स्मेल इज स्टिल अगेन द सेम जो पहले वाले में आ रही थी मुझे. काफ़ी क्रीमी, क्रीमी भी नहीं, ऑयली सी लिपस्टिक है, मैं ये बोलूँगी. जब इसको अप्लाई करते हैं ना, तो ऑयल फील होता है, जो अच्छी बात है. बट इट्स इट इज़ नॉट नरिशिंग, क्योंकि लिप्स काफ़ी ड्राई फील होते हैं. सो दैट्स अ डाउन पार्ट. बट इट इज़ अ नाइस शेड, इट्स प्रिटी नाइस, आई लाइक दिस वन. सो या गाइज, इसका भी ट्रांसफर टेस्ट कर लिया जाए, क्या कहते हैं आप लोग. तो या दिस इज़ माई क्लीन हैंड. ओके, एक जगह आया है ट्रांसफर, बिकॉज वो ड्राई नहीं हुआ है, इसलिए मेरे अपर लाइन, लिप लाइन पे, इसीलिए है. सेकंड टेस्ट, नो नथिंग वॉट सो एवर, कुछ भी ऐसा नहीं है. वही है जो ही, जहाँ पे अभी कहीं पे वो हल्का सा ड्राई नहीं हुई है ना, वहीं पे बस लग रहा है, अदरवाइज इट्स नाइस. सो टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी एंड एवरीथिंग, क्वालिटी इज़ मीडियोकर. आपको पहले से अपने लिप्स हाइड्रेट करने पड़ेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर. काफ़ी ड्राइंग फील हो रहा है, बट एंड द कवरेज ऑल्सो इज़ लाइक शेयर ओनली. आप इसको ना ऐसे लिप टिंट और लिप ग्लॉस की तरह आप समझ लीजिए. लिप ग्लॉस तो नहीं, बिकॉज इट्स मैट, ग्लॉसी नहीं है, बट लिप टिंट की तरीके से समझ सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ओपेक. बट सेकेंड कवर पे, सेकेंड लेयर पे आप इसको ओपेक कर सकते हैं एंड इट इज़ बिल्डेबल. कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कि बिल्डेबल नहीं है, कि चिपचिप करने लगेगा या थिक हो जाएगा बहुत, ऐसा नहीं हो रहा है. मैंने आपको दिखाया पहले वाले शेड में कि डबल लेयर करने पे भी इट वॉज परफेक्टली फाइन टू वर्क विद. सो या एंड द प्राइस दैट यू आर पेइंग इन लाइक दीज टाइम्स, 120 रुपीज़ फॉर अ लिक्विड लिपस्टिक इज़ लाइक
बहुत कम आप पे कर रहे हो गाइस, बहुत कम. आई रिमेम्बर यूजिंग ब्लू हेवन के जो लिक्विड लिपस्टिक आते थे, अभी भी आते होंगे आई गेस. तो मेरे पास, मैंने कई बार अपने चैनल पे वो दिखाई भी हैं, और मैंने अभी अपने रिसेंटली मेकअप कलेक्शन में भी दिखाए थे वो. उसके दो शेड्स मैंने एम्प्टी किए थे, बिल्कुल सिमिलर क्वालिटी है उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो. सो या आई रिमेम्बर दोज वंस. तो उसमें भी वही था कि थोड़ा ड्राइंग था वो भी, बट उसमें जो था ओपेसिटी कलर जो था वो अच्छा आता था कंपेरेटिवली टू दिस वन. बट या अदरवाइज आई वुड से यू आर पेइंग अ डिसेंट प्राइस. तो अगर आप ऑफिस तो नहीं बट कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग हो एंड यू नीड अ लिपस्टिक, क्योंकि क्या होता है वो लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते. आई रिमेम्बर माई सेल्फ बींग इन कॉलेज जब मैं थी, तो LA18 की ही लिपस्टिक्स ना, तब बुलेट लिपस्टिक्स लॉन्च हुए थे इन 100 रुपीज़. ओके, तो मैंने वो लिए थे भर के, वो पॉप मैट लिपस्टिक थे वो. मैंने पता नहीं 5-6 शेड्स, मेरे को याद है मैंने अपने स्टार्टिंग में भी यूट्यूब पे तो नहीं, इंस्टा पे मुझे याद है, इंस्टाग्राम पे मैंने जब अपना सोशल मीडिया बनाया था ब्यूटी बे विद नेम, तो मुझे याद है मैंने अपना LA18 लिपस्टिक कलेक्शन वहाँ पे डिस्प्ले किया था, वहाँ पे शो किया था आपको लिपस्टिक, लिप स्वॉचेस के साथ. आई एम फंबलिंग अ लॉट नाउ. तो या तो इसीलिए आई रिमेम्बर दैट अभी भी है मेरे पास वो लिपस्टिक, आई स्टिल यूज देम. तो या क्या होता है कि आप कॉलेज भी हो ना, तो यू डोंट, यू वॉन्ट कलर्स, यू वॉन्ट वेराइटी, बट यू कैन नॉट स्पेंड दैट मच कि आप एकदम से बहुत सारा कोई भी लिपस्टिक एक्सपेंसिव ले पाओ. सो या फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ वेरी गुड. द प्राइस यू आर पेइंग, उसमें आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक मिल रही है. और लिप बाम सबके पास होता है, अगर आप एक अच्छा सा लेयर लिप बाम का यूज़ करके उसके बाद उसको यूज़ करोगे तो आपके लिप्स ड्राई भी नहीं होंगे. तो यू हैव सॉल्यूशन, उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज लिप बाम सबके पास होता है. सो ऐसा नहीं है कि कुछ आपको अलग से इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू मेक दीज लिपस्टिक्स वर्क, ऐसा भी नहीं होने वाला है. सो या दीज आर प्रिटी नाइस. सो या दैट्स अबाउट इट फॉर दीज लिपस्टिक्स गाइज. आई होप मैंने आपको सारी इन्फो दी हो. अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कॉमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर देती हूँ. एज यू ऑल नो मैं अपने कमेंट्स को विद इन एन आवर रिप्लाई करती ही हूँ. अगर मैं घर में नहीं हूँ, कहीं बाहर हूँ, तभी ऐसा होता है कि इट विल बी अ लॉन्ग गैप, क्योंकि मेरा इंटरनेट कहीं पे काम नहीं कर रहा है, या फिर मैं फ़ोन नहीं देख रही हूँ, आई एम ट्रेवलिंग या ड्राइविंग. सो या अदरवाइज जनरली आई रिप्लाई विद इन एन आवर. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग ऑफ द लिपस्टिक, किसी भी चीज़ पे, तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हो. सो या दैट्स अबाउट इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. प्लीज़ मुझे बताइएगा कॉमेंट्स में आपको ये वीडियो कैसे लगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल देन आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन वेरी वेरी सून. एंड डोंट फॉरगेट, आई अपलोड एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे और सैटरडे, थ्राइस अ वीक. सो या टिल देन यू गाइज टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय.